हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरे ब्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करो। तो जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो करना सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर नाश्ते का सामान लेने के लिए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बल्कि दोपहर हो रही है, नाश्ता हमारा भी हो रहा है। तो खैर, अब यही है कि मैं बाहर जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, उसके बाद फिर आएंगे, फिर आगे और गुफ्तगू करेंगे। और साइकिल मैं बनवा के लेकर आया हूँ अपनी, और आज मेरी साइकिल बन गई है। तो साइकिल कहाँ से बनवाई है मैंने वो भी बताऊँगा। और साइकिल मैंने डायरेक्ट करवा दी है। दरअसल असल बात यह है, गेयर वेयर निकल गए मेरी साइकिल के, टूट गए थे। सही है, तो मैं आके आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। ओके, रहा नहीं जाता। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ और देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। देख रहे हो क्या लेकर आया हूँ? दो अंडे, चिप्स और दही। सही है। और जो अंडे हैं वो मेरे हैं, मतलब मुर्गी के हैं। सही है। और इसके साथ मैं अपने लिए चिप्स लेकर आया हूँ। और चिप्स मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैं चिप्स कौन से लेकर आया हूँ। चिप्स मैं लेकर आया हूँ ये वाले। सही है। और ये है अम्मी के लिए दही, क्योंकि अम्मी अंडा नहीं खाएंगी, तो दही अम्मी का है। ओके, तो फिर जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। पहले अम्मी से पूछ लेते हैं, अम्मी खा रही हैं खाना नहीं खा रही? माशाल्लाह। सो गाइस, अम्मी खाना नहीं खा रही हैं अभी, और अम्मी ने बोला जाओ तुम बना के खा लो। वह दरअसल बात कर रही हैं किसी से फ़ोन पे। तो अब यह है कि अब मैं अपने लिए नाश्ता बना लेता हूँ। और तवे की हालत मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि तवे पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा अंडा चिपक ना जाए, मतलब मुर्गी का जो अंडा है वो चिपक ना जाए। अंडा चिपका है। हाँ, अंडा चिपक गया। अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। अंडा चिपक गया, गाइस देख सकते हैं, अंडा चिपक गया, अंडा चिपक गया। अब मुझे बेलचे की तरह इसको यूज़ करना पड़ रहा है। बेलचे की तरह नहीं, बेलचे से मिट्टी उठाते वैसे अंडे को उठाना पड़ रहा है। अब मैं पलटूंगा भी नहीं उसको, वरना मेरी जर्दी फूट जाएगी, मतलब अंडे की जर्दी फूट जाएगी। देख रहे हैं आप, ऐसा चिपक गया है बिल्कुल एल्फी की तरह। पलटूंगा भी नहीं मैं इसको। देखो सारा अंडा तो वहीं चिपक गया। अदो यार। सो गाइस, दूसरा अंडा तल के देखते हैं कि वो चिपकता है कि नहीं चिपकता। लेट्स सी, इसको तलने देते हैं। सो गाइस, ये अंडा भी चिपक गया है। और बस ये है कि इसको पलट सकते हैं। इतना नहीं चिपका, मतलब चिपका है लेकिन इतना नहीं चिपका, तो क्या कर सकते हैं। तवा हमारा ना थोड़ा सा चिपका रहा है चीज़ों को। सो गाइस, अब इसके ऊपर मैं डालूंगा चिप्स। सही है, ये चिप्स देख रहे हो कितने मज़े के चिप्स हैं। ओए होए 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 होए, पट्टी फ्राई नाम है इसका, पट्टी फ्राई। तो आइए इसको डाल देते हैं, सब डाल दूंगा सारे। ओए होए 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 होए, ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होगा, तो इसका टेस्ट हम ट्राई करेंगे। ओके, आप सबके सामने। सो गाइस, आप चेक कर सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहा है ये। सो गाइस, चलो अब इसका बाइट लेते हैं, वन बाइट। ओके, उम्मी भाई ले रहे हैं, और ये जर्दी और ये चिप्स विप्स मैंने सब निवाले में ले लिए अपने, और ये मैंने खा लिया है। ओए होए 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 होए, इतने मज़े का। सो गाइस, ये चीटोस और लेस से ज़्यादा अच्छा है, तो अगली बार हम यही लेकर आएंगे, सब खा जाऊंगा मैं। अबे साले। सो गाइस, बात कर लेते हैं आप साइकिल की। तो गाइस, साइकिल के यहाँ पे गियर बॉक्स लगा हुआ था, आपने देखा होगा, वो सब मेरे से टूट गया। दरअसल बात क्या हुई थी कि हम गए थे, कहाँ पे हम गए थे, टायर में हवा भरवाने हमारी तरफ बंद हो गया था, तो गाड़ी पे जाना था, तो मैंने साइकिल पूरी आती नहीं है, तो भाई हमने टायर निकाल दिया साइकिल का। जैसे साइकिल का टायर निकाला, ओए होए होए होए, पूरी साइकिल की रेड़ लग गई। सही है, गियर बॉक्सर टेढ़ा हो गया, उसके पता नहीं क्या क्या चीज़ें टेढ़ी हो गई, अलाइनमेंट इधर से उधर हो गया। फिर हम इसको लेके गए मैकेनिक के पास, फिर उसने चेक किया, तो उसने बोला भाई इसके तो बैरिंग वेरिंग सब खत्म हो गए हैं। सो गाइस, उसके बाद उन्होंने नए बैरिंग डाले। देखो ये होते हैं बैरिंग है, सही है, तो ये साइकिल के टायर के अंदर डलते हैं, तो ये उन्होंने नए डाल दिए। पहले तो उन्होंने फिट किया, फिटिंग कर रहे थे वो अच्छी तरीके से, बड़े अच्छे बंदे थे भाई। फर्स्ट टाइम मैं किसी साइकिल शॉप पे गया हूँ, और मुझे बहुत, क्योंकि मेरे जो हमारे जो गली के बच्चे हैं वो यहीं आ जाते हैं ना, इनका नाम रिजा है, तो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे थे, बहुत हंसमुख भी थे, बात भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। तो एक होते हैं ना चिड़चिड़े चिड़चिड़े रहते हैं, नहीं बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। तो इन्होंने पूरा मुझे बताया कि आपके साइकिल में ना ये मसला है, ये ऐसा मसला है, वैसा मसला है। फिर उन्होंने बैरिंग चेंज करे। देखो मेरे पुराने वाले बैरिंग का हशर देखो क्या हो रहा है, देखो बैरिंग का हशर देखो क्या हो रहा है।
तो बस यही है कि मैंने साइकिल को एक दफ़ा बस यानी ये होता है कि आप जब एक दफ़ा साइकिल ले लो ना तो एक दफ़ा ना उसको मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ती है। वो पूरे बैरिंग वैरिंग चेक कर लेता है, उसका स्टैंड चेक कर लेता है, उसका अलाइनमेंट चेक कर लेता है। सही है, मैं लेकर ही नहीं गया। सही है, तो अभी मैं लेकर आया हूँ तो माशाल्लाह ये है कि अच्छी हो गई है साइकिल। और साइकिल को ना मैंने चेन को ना डायरेक्ट करवा दिया। सही है, गियर वेयर निकल गए क्योंकि उसके इतने पैसे थे नहीं मेरे पास कि मैं नया गियर लगवाता। तो अब यह है कि बिल्कुल ना माशाल्लाह बेहतरीन हो गई साइकिल और डायरेक्ट करवा दी मैंने साइकिल को ना, चेन उसकी डायरेक्ट कर दी है, कोई गियर नहीं है अब साइकिल में। और मज़े की बात यह है कि मैं ना मोबाइल नहीं लेके गया था अपना, बाहर मैं अपना मोबाइल बड़ा वाला लेके नहीं निकलता। तो उनसे फिर मैंने मोबाइल लिया, फिर उन्हीं के मोबाइल से ना मैंने वीडियो बनाई, व्लॉग पूरी कंप्लीट करी। फिर मैंने बोला आप मुझे ना ये सेंड कर दिएगा क्लिप, तो फिर उन्होंने बोला हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो फिर मैंने ना मैंने बोला यार ये कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए इसको सेंड करने में, तो मैंने फिर उन्हीं के मोबाइल से बनाई वीडियो अपनी जो अभी आप क्लिप देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर ना मैंने उनके मोबाइल में अपना नंबर सेव किया और फ़ौरन व्हाट्सएप से अपने मोबाइल में सेंड कर दी। तो जब तक सेंड नहीं हो गई मैं उठा नहीं वहाँ से, जब सेंड हो गई अच्छी तरीके से यानी पूरी हो गई सेंड, फिर मैं आया हूँ वापस घर। मैंने कोई रिस्क नहीं लूँगा, इतना अच्छा शॉट आया है, मैंने बोला यार ये रिस्क नहीं ले सकता कि शॉट मेरे से मिस हो जाए। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सो गाइस साइकिल का काम हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। साइकिल 5 6 दिन से, 6 1 हफ्ता तकरीबन, 1 हफ्ते से घर में थी। अब वो 1 हफ्ते से कैसे घर में थी भाई, ये था कि उसमें पहली बार तो टायर में हवा नहीं थी, फिर मेरा जो एयर पंप है मेरी गाड़ी के उसी से मैं उसमें हवा भरता था साइकिल के टायर में, वो भी ख़राब हो गया। सही है, ख़राब है मतलब वो। और मैं जब अब मेरी रूटीन ऐसी ख़राब हुई हुई है कि ना मतलब मेरी सोने की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है। तो जब मैं उठता हूँ वो साइकिल वाला बंद हो गया। अब मैंने बोला यार साइकिल वाला बोल रहा हूँ सॉरी, हवा वाला बंद हो गया, तो अब मैं साइकिल में हवा ही नहीं भरवा सका। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि मैं जा रहा था एक जगह ना मी का सामान दवाई वगैरह लेने, तो तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है गाड़ी पे जा रहा था। तो मैंने वहाँ मुझे पता था कि वहाँ खुला हुआ था तकरीबन 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक खुला हुआ होता है एयर पंप वाला। तो मैंने बोला अम्मी एक काम करते हैं साइकिल का टायर निकालते हैं और लेके चलते हैं। वो साइकिल का टायर निकालना ऐसा हुआ, निकाला है मैंने लेके गया हूँ वापस लगाया, लग ही नहीं रहा। मैंने बोला अम्मी ऐसा होता ही नहीं है मेरे से, कभी लगता नहीं है। सब चीज़ें देख ली, पता चला वो गियर बॉक्स जो था ना उसका जो गियर था वो पूरा ऐसे गिरा, नीचे गिरा होगा और वो टेढ़ा हो गया। वो इतना नाजुक होता है कि हल्का सा गिरने पर उसके टायर वायर जो अंदर के जो चेन वेन होती है मतलब वो सब ख़राब हो गई। अब मैं उसको लगा रहा हूँ लग ही नहीं रहा, फिर चेन में बल आ गया, वो एक अलग मुसीबत। अरे मैंने बोला क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी में। फिर मैंने किसी तरीके से उसको ऑयलिंग वगैरह करके फिर मैंने बिठाने की कोशिश करी, नहीं बैठा। गियर खोला है मैंने, गियर पूरा 2 टुकड़ों में। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई क्या बात है, मज़ा आ गया मतलब। तो बड़ा परेशान था, फिर मैंने बोला यार आज मैं उठा हुआ हूँ तो आज सबसे पहले ना मैं इन्हीं के पास चला आया था, रिजा भाई के पास। तो ये हमारे गली के बच्चे सारे साइकिल वाले ना वो इन्हीं के पास जाते हैं, तो बहुत पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि उमेर भाई आप ना इधर चले जाया करें, इधर ना बड़े, जब मैंने नई नई साइकिल ली थी तो कह रहे हैं ये ना बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत सस्ता भी काम करते हैं। तो मैंने हाँ चलो मैं जाऊँगा, गियर वेयर वगैरह और फिर ब्रेक्स वगैरह चेक करवाने थे मुझे, तो मैंने बोला इन्हीं के पास जाऊँगा। तो आज मैं चला गया, रक्षे पे गया था और आया मैं साइकिल पे। तो बस यही है कि गाइस साइकिल बहुत अच्छी चीज़ होती है और फिट रखती है आपको, और यह है कि होनी चाहिए घर में। क्यों अम्मी, साइकिल होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ अम्मी को भी चलानी चाहिए साइकिल। चलो अम्मी कल आपको साइकिल चलाना सिखाऊंगा, सही है। गोलमाल फिल्म देखी अगर आप लोगों ने, गोलमाल फिल्म, तो उसके अंदर वो संजय दत्त के पास ना, संजय दत्त नहीं अजय देवल, अजय देवल के ना बहुत बड़ी बाइक होती है, उसमें सब सब बैठे होते हैं। तो इसी तरीके की ना अम्मी अम्मी और मैं दो दो सीट की ना साइकिल ले लेते हैं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये, 4 पहियों की साइकिल। सही है, तो अम्मी आप पीछे बैठे, आप भी पेडल मारना ऐसे ऐसे करके बैठे। सही बता रहा हूँ, मशहूर हो जाएंगे। माँ बेटा की साइकिल जब भी निकलती है तो लोग देखते हैं, यूँ देखें, देखो देखो कौन जा रहा है कौन जा रहा है कौन जा रहा है कौन जा रहा है कौन जा रहा है, माँ बेटा जा रहे हैं। ये देखें, ये क्या है पता आपको, ये चिप्स नहीं है, ये उसने सारा सामान दिया जो मेरी साइकिल में से एक्स्ट्रा निकला है, मतलब जो चीज़ ख़राब हो गई थी ना मतलब। तो गाइस ये देखें, ये आगे फ्रंट गियर को चेंज करने का, फ्रंट गियर लगाने वाला, ये टेढ़ा हो गया था। सही है, फिर आगे अंदर चेन भी पड़ी हुई है। सही है, थोड़ी सी चेन बची थी। गाइस ये देखें चेन किस तरीके से उतरती है, ये दिख रहा है आपको, ये
इस पर हथौड़ी मारेंगे अंदर चलेगा तो चेन बंद हो जाएगी। मुझे ये भी करना आ गया, मतलब चेन बिठाना, चेन वगैरह सब मुझे आ गया माशाल्लाह। भाई साइकिल मेरी बन गई, बहुत टाइम से मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि साइकिल कब बनेगी कब नहीं बनेगी अल्लाह जाने, लेकिन माशाल्लाह आज मैं साइकिल को पूरा मतलब परफेक्ट कर आ गया हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी व्लॉग्स को पूरा देखा करो एंड तक, ये नहीं कि तुम ऐसे ऐसे करके देखा करो, समझ में आई? सही है, अब जाओ और सो जाओ। अल्लाह हाफिज़।